द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, इसमें हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स इन द डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। देखो यार, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी 8th में 9th में 10th में और इंटरमीडिएट में, बिल्कुल कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम वहाँ पर वेरिएबल बनाते थे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते थे। प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसमें वेरिएबल्स ज़रूर इस्तेमाल होते हैं, इसके बगैर ऑब्वियसली नहीं हो सकता काम। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये हमारा लास्ट लेक्चर वाला कोड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं आपके साथ एक प्रोग्रामिंग एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर हम किसी स्टूडेंट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम किस तरह से करवाएंगे? हम करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेट्स सपोज जो चीज़ें स्टोर करवाना चाहता हूँ, मेंटेन करना चाहता हूँ, वो है नेम। दूसरे नंबर पर मेरे पास जो चीज़ है वो है एज, एंड थर्ड लेट्स सपोज मैं उसको कह देता हूँ कि क्लास नेम। ठीक है, मैं तीन चीज़ें यहाँ पर स्टोर करवाना चाहता हूँ, और क्योंकि ये जो है वो हम इसको स्टोर करवाना चाहते हैं, वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो हमें इनको वेरिएबल्स के अंदर डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा। हर प्रोग्राम में जो यूज़र है वो डायनेमिक हो सकता है। हम कोई जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं होता। जैसे हम फेसबुक लॉगिन करते हैं तो फेसबुक प्रोफाइल पे हमारा नेम शो हो जाता है, अगर हम दूसरी किसी प्रोफाइल पे देखें तो उसका नेम शो हो रहा होता है। तो हर किसी का नेम जो है वो डायनेमिकली उसके हिसाब से पॉपुलेट होके शो हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स बनाए कैसे जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और डार्ट प्रोग्रामिंग में किस तरह से लेकर चलना है। सबसे पहले हम जो कीवर्ड टाइप करते हैं वो है वी ए आर। वी ए आर जो कीवर्ड है वो ये इंडिकेट करता है कि हम एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम स्पेस पुट करते हैं, स्पेस पुट करने के बाद हम अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाएंगे, और फिर जब हम वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम सेमी कॉलन पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर लेट्स सपोज हमने नया वेरिएबल बनाना है, दैट इज़ एज, तो अगेन उसी तरह से वी ए आर लिखूँगा और फिर उसके बाद एज टाइप कर दूंगा। और एज टाइप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो सेमी कॉलन है वो मैं पुट कर दूंगा। आज की वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड है सेकंड ब्रेन एप्लीकेशन की तरफ से। अगर आप लोगों ने ये एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की, तो अगर आप चैट जीपीटी के फ़ैन हैं तो ये एप्लीकेशन बेसिकली चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त से फ़ीचर्स लेके आती है, जिसमें एक्शंस हैं, वॉइस इनपुट है, आप प्रोग्रामिंग भी इस एप्लीकेशन के थ्रू सीख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन हो, आप इसको अगर सेंड करेंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से आपकी लैंग्वेज में, इवन उर्दू में भी आपको रिप्लाई कर देगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें थर्ड वेरिएबल जो हम क्रिएट करेंगे, दैट इज़ लेट्स सपोज क्लास नेम। ओके, सो नाउ लुक एट दी थिंग्स जो हमने यहाँ पर रूल्स फॉलो किए हैं, और वो हमारे पास यहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी आ रही हैं, ये इन्फो टाइप जो बॉक्स आ रहे हैं हम इनको वार्निंग कह सकते हैं। सबसे पहले वी ए आर, आपने हमेशा लोअर केस के अंदर वी ए आर लिखना है, फिर उसके बाद स्पेस पुट करनी है, स्पेस पुट करने के बाद यहाँ पर वेरिएबल का नेम आएगा। वेरिएबल का नेम जो है उसके कुछ खास रूल्स हैं, जब भी हमने नेम डिफाइन करना है, नेम रखना है, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स की मैं बहुत ही डिटेल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करूंगा, मगर एक बात याद रखिएगा कि हमेशा वेरिएबल नेम्स जो हैं वो टेक्स्ट से या करेक्टर से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होती। जैसे देखें, क्लास नेम जो वेरिएबल था इसके अंदर, यहाँ पर दूसरा जो वर्ड था वो नेम था, क्लास नेम, तो मैंने स्पेस पुट नहीं की, बस ये मैंने जो सेकेंड वर्ड था उसका जो फर्स्ट
लेटर है वो कैपिटल कर दिया। ये मैंने इस वजह से किया है ताकि थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि आपको यहाँ से मिक्स ना हो जाए। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज़ किया है या टेक्निक यूज़ की है या कन्वेंशन यूज़ किया है, तो आपने फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम भी कैपिटल एन वाला ही यूज़ करना है, ताकि आपका कोड कंसिस्टेंट लग सके। एनीवे, ये मैंने तीन वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इन वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे असाइन करनी है? सो वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप नेम लिखें और इक्वल टू का साइन पुट करें, और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिख दें। सो यहाँ पर मैं डबल कोट्स में यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिखूंगा, जैसे लेट्स सपोज आई एम दिस स्टूडेंट, बाय द वे आई एम लाइफ टाइम लर्नर, और मैं हमेशा सीखता रहता हूँ नई नई चीज़ें। तो यहाँ पर देखें, मैंने ये किया है कि मैंने नेम वेरिएबल, जो मेरा वेरिएबल था, उसके बाद मैंने इक्वल टू साइन पुट किया है, और इक्वल टू साइन पुट करने के बाद मैंने अपना जो भी वैल्यू स्टोर करवानी थी वो मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दी है। और याद रखे कि ये जो इक्वल टू साइन के अराउंड मैंने स्पेसेस पुट किए हैं, ये लाजमी नहीं है, मगर क्योंकि कोड अच्छा दिखेगा तो मैंने स्पेस पुट कर दिए। मगर ये है कि सभी जब जहाँ पर भी आप देखेंगे वो स्पेस ही नज़र आ रही होगी, यहाँ पर स्पेस पुट करना जो है ना, ये लाजमी है। इसके बगैर आपका कोड, आपका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो आई स्टोर्ड शजील अफजल इन द नेम वेरिएबल। और फिर उसके बाद हम एक दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर एज भी स्टोर करवा सकते हैं। नाउ एज जो है वो यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। आप भी कह रहे होंगे कि यार ये सही मजाक है, मगर येस, लेट्स स्टोर 17 हियर। और फिर उसके बाद क्लास नेम के अंदर यहाँ पर हम जो तीसरा वेरिएबल है हमारी ऑप्शन, अच्छा इसमें मैंने क्या किया, लाइन नंबर 3 के ऊपर मैंने ये किया है कि रेदर देन के मैं यहाँ पर दोबारा से एज लिखता, फिर इक्वल टू पुट करता, फिर 17 पुट करता, मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर ही अपनी वैल्यू असाइन कर दी है। सो इट्स अप टू यू दैट अगर आप ये चाहते हैं कि जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त आपने वैल्यू असाइन करनी है, तो आप तब भी कर सकते हैं। अगर आपने बाद में करनी है तो तब भी कर सकते हैं। बाय द वे, ये जो प्रोसेस में हमने किया है इसको वेरिएबल क्रिएशन कहते हैं, और ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ इसको क्रिएशन प्लस इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पर असाइनमेंट इसको बोलते हैं, कि हमने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है, तो मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, मतलब वैल्यू असाइन कर दी है, ये राइट साइड पर जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। बहुत सिंपल। और फिर उसके बाद हम एज, सॉरी क्लास नेम को भी लेट्स सपोज हम इसी तरह से कर लेते हैं। क्लास नेम इज़ इक्वल्स टू, मैं स्टूडेंट हूँ जी 12th क्लास का, ठीक है। ये हमारे पास क्लास के नेम आ गया। अब देखें, इन सभी वेरिएबल्स के नीचे अंडरलाइन शो हो रही है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि ये वेरिएबल्स क्रिएट तो हो गए हैं मगर इनको यूज़ नहीं किया गया। सो लेट्स ट्राई टू यूज़ दीज वेरिएबल्स। अगर हमने इन वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, और प्रिंट के अंदर यहाँ पर नेम पुट कर देते हैं। अब देखें, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली हमारा जो नेम के अंदर वेरिएबल है वो हम ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर रहा है और उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट, सॉरी, इसको रन किया। रन करने के बाद ये राइट साइड पर देखें, जो भी वेरिएबल का नेम था वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर स्टूडेंट का नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज मोहम्मद आसिफ। मैं दोबारा से रन करता हूँ। रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट है वो मोहम्मद आसिफ आ जाएगी, बिकॉज हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है। राइट नाउ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो हमने वेरिएबल लिखा है, VAR लिखा है, ये रन टाइप पे आपके जो वेरिएबल की टाइप है वो डिफाइन कर लेगा। जैसे ये वाला जो वेरिएबल है नेम वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर नेम स्टोर हो रहा है, करेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं, तो इस वेरिएबल की टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो जाएगी। बट डोंट वरी, आप लोगों ने परेशानी होना, अगेन मैं आपके साथ हूँ, प्रोग्रामिंग आपको सिखा रहा हूँ, स्क्रैच से सिखा रहा हूँ। तो ये जो नेम वेरिएबल है इसमें क्योंकि ये करेक्टर्स हैं, तो इसकी जो टाइप है स्ट्रिंग हो जाएगी। हम
आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि वेरिएबल्स की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। सो ये जो वेरिएबल एज है, इस वेरिएबल की जो टाइप है वो इंटीजर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो तीसरा वेरिएबल है क्लास नेम, इसके अंदर भी वैल्यू, क्योंकि हमने टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करवाई है, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी, राइट? बट डोंट वरी, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये हो गया। अब हम ये करते हैं कि हम इन वेरिएबल्स की अगर VAR नहीं टाइप करते तो हम डायरेक्टली टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी मैं जो टाइप है वो स्ट्रिंग रखता हूँ, और इस वेरिएबल का नाम जो है वो मैं सिटी रख देता हूँ, सिटी एंड देन इक्वल टू लेट्स सपोज लाहौर। ठीक है, ये मैंने सिटी का नेम रख दिया। और अब हम राइट साइड पर अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास प्रॉपरली सही से काम कर रहा है। मैंने इस वेरिएबल की टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दी, मैंने इसको बता दिया कि भाई देखो इस वेरिएबल की जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग होगी, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग सिटी टाइप का वेरिएबल, सिटी वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रिंग ही स्टोर करवाऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ और स्टोर नहीं करवाने दूंगा। ये मैंने इस प्रोग्राम को बता दिया। मगर ये जो वेरिएबल नेम है इसके अंदर हमारे पास ये जो टाइप है वो रन टाइप पे, यानी जो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस वक्त डिसाइड की जाती है कि इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी। तो जो जैसी वैल्यू उसके अंदर हम असाइन करेंगे वैसी उसकी टाइप हो जाएगी। इस वेरिएबल के अंदर हमने एज इक्वल टू 17 स्टोर करवाया, जिसकी वजह से जो वेरिएबल एज है इसकी टाइप इंटीजर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और ये जो दूसरे नंबर पर हमने वेरिएबल स्टोर करवाया, ये जो क्लास नेम है, अगेन इसके अंदर भी हमने टेक्स्ट स्टोर करवाया, तो इसकी टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। अब एक और चीज़ हम करते हैं कि अगर हम इस वेरिएबल के अंदर कोई नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं ये स्टोर करवाता हूँ, तो ये स्टोर नहीं करने देगा। ये देखें, रेड लाइन आ गई। रेड लाइन का मतलब क्या है कि एरर, ए वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर कैन नॉट बी असाइन टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। वो कह रहा है नहीं भाई, इसके अंदर पहले जो है, क्योंकि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो आप इस वेरिएबल के अंदर ये जो वन है वो नहीं करवा सकते। देखें, दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है स्ट्रॉन्गली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर जो वेरिएबल की टाइप है वो रन टाइप पे डिसाइड की जा सकती है, और जो लूजली जो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड होती हैं उनके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू है, जो वेरिएबल की टाइप है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जो हमारे पास C++ है ये स्ट्रॉन्गली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम इस वक्त सीख रहे हैं ये लूजली टाइप्ड है। जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो वो भी लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, क्योंकि ये लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी वजह से हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको VAR से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम इसको स्ट्रिंग से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको ऑब्वियसली हम यहाँ पर लाहौर करेंगे बिकॉज़ ये तब ही एक्सेप्ट करेगा। अगेन कंफ्यूज नहीं होना कि आपने सिंगल कोट्स क्यों यूज़ किए, आपने डबल कोट्स क्यों यूज़ किए। स्ट्रिंग्स जो हैं वो सिंगल कोट्स से भी बनाई जा सकती हैं, डबल कोट्स से भी बनाई जा सकती है। ये एंड पे जो करेक्टर आ रहे हैं इनको डबल कोट्स कहते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने वेरिएबल्स बनाए, हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज नेम प्लस इज़, बल्कि यहाँ पर भी स्ट्रिंग दूंगा, इज़ प्लस यहाँ पर एज प्लस ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने मैसेज जो प्रिंट कराया है, मैं इस यहाँ पर लिखता हूँ मोहम्मद आसिफ इज़। अब इस मैसेज की आउटपुट क्या होगी, मोहम्मद आसिफ इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। तो हम इस मैसेज को डिलीट करते हैं, प्रिंट नेम सिंपली हम इसको डिलीट करते हैं, हम यहाँ पर मैसेज जो है वो शो करवाते हैं, लेट्स सी की आउटपुट क्या आती है। सो आउटपुट इज अनकैटेटेड टाइप 17 JS int इज। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो एज वेरिएबल है ना, क्योंकि ये
इंटीजर है तो इसकी कन्वर्जन जो है वो मैं टेक्स्ट सॉरी स्ट्रिंग में करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसको टू स्ट्रिंग करता हूँ और फिर उसके बाद हमारे पास ये सही तरह से प्रॉपरली वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ दोबारा से रन और ये हमारी जो आउटपुट है, मोहम्मद आसिफ इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। तो हम देखेंगे ये जो मैसेज हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये वेरिएबल्स की मदद से किया है। सो नेम नेम क्या है, मोहम्मद आसिफ इज़, एज जो हमने एज की वैल्यू थी हम इसको अगर अब चेंज करते हैं 30 कर देते हैं, तो अब हम इसको रन करते हैं तो ये मोहम्मद आसिफ इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये हम लेट्स सपोज बाबर आजम कर देते हैं। बाय बाय द वे बाबर आजम ने आज सेंचुरी बनाई है, बहुत अच्छी बात है जी। हमारा प्लेयर जो है वो दुनिया में नंबर वन पे है। सो बाबर आजम इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये हम यहाँ पर मैसेज देखें रन टाइम पे जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह से मैसेजेस जो हैं वो खुद के कंस्ट्रक्ट करवाने हैं रन टाइम पे। तो मैं यहाँ पर एक और काम भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ही लिव्स इन ही लिव्स इन सिटी। ओके नाउ वट इट विल डू कि बाबर आजम इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन लाहौर। होपफुली ये वाला जो मैसेज है ये आउटपुट करेगा बाबर आजम इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन लाहौर, राइट। सो दिस इज़ हाउ। अब हम ये भी करते हैं कि एंड पे एक डॉट भी लगा देते हैं, तो हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक ए सिंपल प्रोग्राम। हम आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें करने वाले हैं, मगर ट्राई आउट टू डू दिस असाइनमेंट। मैं ये कोड शेयर नहीं कर रहा आप लोगों के साथ ताकि आप लोग खुद से ये प्रैक्टिकल कर सकें। देखिए प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है ना तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली करने से आती है। मतलब आप लोगों को मेरी तरह अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकली ये डार्ट पैड पे जाके डार्ट पैड डॉट डेव पे जाके ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर आपके पास ये सारा प्रॉपरली काम करेगा, राइट। सो सिट डाउन, गिव मी 15 मिनट्स 30 मिनट्स डेली और आप देखिएगा कि आप बहुत जल्द बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। बाय द वे ये वाली जो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई है ये भी डार्ट में बनी हुई है, फ्लटर में बनी हुई है। आने वाले दिनों में हम एडवांस चीज़ों पे भी जाएंगे, एप्लीकेशंस भी बनाएंगे, वेबसाइट्स भी बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यार कमेंट्स में बहुत कम इंट्रैक्शन हो रही है, रीच भी नहीं आ रही, तो मैं बना तो रहा हूँ मगर प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, तो मेरी अप्रिसिएशन हो जाएगी। थैंक यू।